कभी खुशी कभी गम फिल्म तो हर किसी ने देखी होगी, ज़्यादातर लोगों की फेवरेट फिल्म है ये, लेकिन आज हम बताने वाले हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। तो इस फिल्म के फैंस नहीं जानते होंगे, करण जौहर की इस फिल्म में काजोल उनकी पहली पसंद नहीं थी, उनकी पहली पसंद ऐश्वर्या राय थी। करण जौहर चाहते थे कि इस फिल्म में ऐश्वर्या राय काजोल की जगह भूमिका निभाएं, लेकिन इसकी वजह थी काजोल की उस टाइम पे नई नई शादी हुई थी, जिसकी वजह से काजोल ये फिल्म नहीं कर सकती थी। लेकिन करण जौहर काजोल के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए उन्होंने ऐश्वर्या राय को ऑफर देने से पहले काजोल से एक बार पूछा, तो काजोल ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी और करण जौहर ने फिर अपना प्लान कैंसिल कर दिया। ये फिल्म ऐश्वर्या राय की जगह काजोल को मिल गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक काजोल को इस फिल्म में पंजाबी बोलने में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी और शाहरुख खान उनका सेट पर मजाक भी उड़ाया करते थे, लेकिन इस फिल्म के दौरान दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई थी। दर्शकों ने इस फिल्म में इन दोनों की जोड़ी को काफी हद तक पसंद भी किया था। वैसे तो इस फिल्म के सभी गाने एक से बढ़कर एक थे, लेकिन इस फिल्म का ये गाना यू आर माय सोनिया, ये गाना मुंबई में ही फरमाया गया था, लेकिन इसके लिए लंदन से डांसर की टीम को बुलवाया गया था, जो कि 50 लोग आए थे इस गाने में अपनी भूमिका निभाने और डांस करने। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करण जौहर ने इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को अपने पिता का नाम दिया था। करण जौहर के पिता का नाम था यश जौहर। करण जौहर ने अमिताभ बच्चन को यश रायचंद नाम दिया था, जो कि उनके पिता का था, और उनकी जन्म की तारीख भी सेम रखी गई थी। लेकिन इस फिल्म की खास बात यह है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की जोड़ी को पूरे 20 साल बाद देखा गया था। वो इससे पहले 1981 में आई फिल्म सिलसिला में नजर आए थे, इसके बाद उन्होंने कभी खुशी कभी गम बनाई। वैसे आप सभी को इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी कैसी लगती है और ये फिल्म किस किस की फेवरेट है और किसने कितने बार देखी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।